नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दुनिया भर में तहलका मचा रहे चीन से निकले खतरनाक कोरोना वायरस से कोई देश अगर सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जहां अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी, तो वहीं 71,15,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इन आंकड़ों में 2 नाम और शामिल हो गए। ये नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप। कोरोना संक्रमित पाए जाने की जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी। राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार की सुबह ही पत्नी मेलानिया ट्रंप और खुद के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बारे में बताते हुए ट्वीट किया, आज रात मेलानिया और मेरे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। हम तत्काल क्वारंटीन और उपचार की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम इसका एक साथ सामना करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताने वाले पीएम मोदी को जैसे ही पता चला कि उनके दोस्त को कोरोना हो गया, तो उन्होंने ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना होने से पहले उनकी निजी सलाहकार होप हिक्स को कोरोना हुआ। वो बुधवार को चुनावी रैली में ट्रंप के साथ थी, इसीलिए बाद में ट्रंप और उनकी पत्नी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था। जब जांच कराई तो दोनों कोरोना पॉजिटिव निकले। निजी सलाहकार के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दी थी। उन्होंने लिखा था, होप हिक्स जो बिना किसी ब्रेक के इतनी मेहनत कर रही, उनकी COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, भयानक। प्रथम महिला और मैं कोरोना जांच परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसी बीच हम अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही दिन पहले मास्क का मजाक उड़ा रहे थे। यहां तक कि हर समय मास्क पहने रहने वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन का मजाक उड़ाते भी देखे गए। एक डिबेट के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडेन पर तंज मारते हुए कहा था कि आप जब भी उन्हें देखते हैं वो मास्क पहने हुए होते, वो जो भी मास्क लगा कर आते हैं मैंने उससे बड़े मास्क आज तक नहीं देखे। ट्रंप ने अपनी जेब से मास्क निकालकर दिखाते हुए कहा था कि वो तभी मास्क लगाते हैं जब उसकी जरूरत होती। अमेरिका पर कोरोना का कहर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अब तक 71,15,400 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 2,04,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद भारत में अब तक 63,12,500 से ज्यादा लोग संक्रमित और 98,600 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।